कुछ मंत्री कह रहे हैं 300 आतंकवादी मारे गए, भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं 250 मारे गए, महंत योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 400 मारे गए, एसएस अहलूवालिया कह रहे हैं एक भी नहीं मरा। पूरे देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि एक तरफ विश्व के अनेक मीडिया इस पूरे एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार इन सब बातों से बच रही है। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, लेकिन देश हित में जबकि भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमारी वायुसेना के जाबाज सैनिकों पर, एयरफोर्स पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो केंद्र सरकार को ये बात साफ करनी चाहिए। मैंने इतना भर कहा है, लेकिन सर एयर सुन लीजिए, मैंने हमेशा से आतंकवादियों का विरोध किया है। मैं अकेला व्यक्ति था अभी जिसने प्रधानमंत्री पाकिस्तान से ये कहा है कि आपको हफीज सईद और मसूद अजहर को तत्काल भारत को भेज देना चाहिए। मीडिया वो बताने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया को ये बात मेरी तरफ से कहने की अच्छी नहीं लगती है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री उनके मंत्रियों को ये नजरअंदाज करते हैं। हमने ये प्रश्न पूछा था कि जब जैश ए मोहम्मद ने कह दिया था कि सुइसाइड बॉम्बिंग हो सकता है, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को बस से भेजने का क्या कारण था, एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जहां हर 10-15 किलोमीटर पर चेकिंग होती है, वहां उस गाड़ी का जिसने ये घटना की, ये आतंकवादी घटना की, उसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई। आखिर इसके सवालों का जवाब कौन देगा, मैंने तो उनके हित में ही बात कही थी। आतंकी हमले को और क्या कहिएगा बताइए, आतंकी हमले को आप क्या कहिएगा, उसी बात का सर वो कह रहे हैं। देखिए बात ऐसा, उसका उत्तर, क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर उनके पास है नहीं सर, लेकिन इसलिए शब्दों का फेर कर रहे हैं। कई जो बयान है एक सैनिकों के नाते हमारे गले से अंदर नहीं जा रहा, लेकिन साफ तौर पे लग जाता है इस समय अपना मेंटल बैलेंस जो है खो चुके हैं, सेंस ऑफ टाइमिंग खो चुके हैं, सेंस ऑफ जजमेंट खो चुके हैं। वो तमाम राजनीति की बात कर रहे हैं और देश हित को ध्यान में नहीं रख रहे, शर्मनाक है और ये केवल और केवल पाकिस्तान को हेल्प करती है। हमारे जो जवानों की शहादत को यदि कोई दुर्घटना बताता है तो ये एक इतना बड़ा मखौल है, उसके सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के ऊपर में एक मखौल है। साहब को भारत की फौज की और भारत की जो रक्षक हैं, देश की मातृभूमि के रक्षक के साथ, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। I really don't know how Mr. Digvijay Singh can call such an event an accident. A range of people have been involved. It is a conspiracy. It is not an accident. Digvijay Singh जो करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। ऐसे में ये ट्वीट भी जानबूझकर किया गया होगा। हमें क्यों देना है? कौन सा देश ने दिया है? दिग्विजय कहता है कि अमेरिका ने दिया, मैंने चैलेंज किया, तुम्हारे ANI में भी उसका ब्रॉडकास्ट हुआ कई चैनल में, जवाब दिया। क्या बताया उन्होंने ओसामा के बारे कि हमने मार दिया, फुल स्टॉप। कितने बोली गोली चली बताया नहीं, और दिखाया जो तो वीडियो ले रहे थे ओसामा की हत्या के लिए, और मिलिट्री में बांध रहे थे उनको उत्साह बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री में, और उसको दफन किया, उसका उसका जलाया शरीर, शव को जलाया कि नहीं ये भी नहीं पता, या वो जिंदा है उसको कहीं जेल में रखा है अमेरिका में ये भी नहीं बताया। तो मैं कहता हूँ कि ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं ये कांग्रेस वाले, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में झूठ बोलते हैं, अपना धर्म पर झूठ बोलते हैं, कौन आप उनका मजहब है उस पर झूठ बोलते हैं। हाँ ये सारा झूठा जीवन है इन सबका, और फिर मोदी को कहते हैं झूठा है, वो भी झूठा है। ये स्वनाम धन दिग्विजय सिंह
पुलवामा की नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा 44-45 हमारे सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों के शहादत के साथ इतना क्रूर मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। हैज दिग्विजय सिंह रिड्यूस हिमसेल्फ टू सच ए लो लेवल दैट ही विल कॉल द मोस्ट हीनस टेररिस्ट अटैक ऑन 45 सीआरपीएफ जवान्स एज एन एक्सीडेंट? ये सोच है। लेकिन दिग्विजय सिंह से आप और क्या उम्मीद करेंगे? ये सब वही है जो जाकिर नायक को मानवता की बड़ी प्रतिमूर्ति बताते हैं, याद होगा आपको। ये दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। तो कांग्रेस के नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता है पूरे मध्य प्रदेश में, वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये किस षड्यंत्र के तरफ हो, के तहत हो रहा है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो, इज ऑल दिस ट्वीटिंग ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। You must have read it between India, US and trade, and I think we are quite there. Of course, there are gaps. I think India is working its strategy towards that, and they will be having more round of discussions, and I'm sure that we will find a solution between India, US trade. So when you talk about strategy, India has also been deferring this retaliatory tariff on US, and whereas US has been threatening India. So what do you think should be done? I'm just saying it's also a position being taken both sides, and that's what I'm trying to say, that both sides will take their position and eventually will come for a win-win situation, which has to happen. India and US are too strategic to each other, both politically and economically, for not finding a solution to these, you know, irritants which are there. कितने वहां पर आतंकवादी मारे? बहन भाई, जो आज नहीं तो कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कितने आतंकवादी मारे। या पाकिस्तान वालों का दिल जानता होगा, वहां के नेताओं का दिल जानता होगा कि भारत के एयरफोर्स के जवानों ने कितने आतंकवादियों का तबाया किया। हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा, हमारा काम हमला करना था। हमको जहां जानकारी प्राप्त हुई जहां आतंकवादियों का ठिकाना है और यहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी है, जब यह हमको इंटेलिजेंस के द्वारा पता चल गया, अन्य दूसरे सर्विलांस सिस्टम से पता चल गया, तो हमारा निशाना कभी चूक नहीं सकता है, चूक करता है। जो निशाना था उसी निशाने पर हमें बंद अपना दिया। कितने मरे, कितने मरे? क्या हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारने के बाद जाकर वहां पर गिनना चाहिए था? 1, 2, 3, 4, 5। यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान को, जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सुनाया, कितने मारे गए, बताओ। अरे हमसे क्यों पूछते हो? एनटीआरओ सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना, एथेंटिक। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने जब वहां पर बम गिराए,
उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन आए फिर से, और कल्पना कर लो कितने मारे गए, ये नंबर आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। जाकर बस सकता है। अब पूरी खबर। सर पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है? पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है सर? बात कर रहा हूं, कब तक करनी है बात? आतंकी हमले को और आप क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह सिर्फ राघोगढ़ के राजा नहीं है, वो विवादों के भी राजा हैं। अब सबसे नया विवाद पुलवामा हमले के उनके ट्वीट पर है। देखिए कोई बात छिपी नहीं है, सब बात सामने आएंगी, और ये जानकारी केवल देश में नहीं है विदेश में है कि क्या सच्चाई है, ये सामने आएंगी और सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलवामा अटैक को दिग्विजय सिंह ने एक्सीडेंट बताया है, दुर्घटना बताई है, ये देखिए दिग्विजय सिंह से पूछिए। पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जो स्ट्राइक है, जिस स्ट्राइक का रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया, ये जनता को बताना चाहिए, इसके चित्र सामने आने चाहिए। और कल तो एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि हम तो टारगेट में जाते हैं। टारगेट का मतलब हुआ जो टारगेट उन्हें बताया जाता है डिग्रीज में, जीपीएस में, जीपीएस में जो टारगेट बताया जाता है वो कहते हैं उसी जीपीएस में हमने किया है, वहाँ क्या था क्या नहीं था क्या हुआ उससे मतलब नहीं हमें। लेकिन सर आतंकी हमले को दुर्घटना कहना आप मानते हैं? गलत है। अब मैं नहीं जानता कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। Really? It's shocking to say the least. मैं समझता हूँ ऐसे ही राजनीतिक नेताओं ने इस देश का मनोबल भी कमजोर किया, और इस देश में आज जो घटनाएं हो रही हैं इसके इसको बल देने का काम अगर किसी ने किया है, इस प्रकार के सूडो सेकुलरिस्ट और इस प्रकार के नेता, कमजोर नेता जिन्होंने कभी हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारे रक्षा बलों को वास्तव में छूट नहीं दी इस देश की रक्षा को सक्षम बनाने के लिए। आखिर हम तो मुंबई कर हैं, मुंबई में 2008 में इतना बड़ा दुर्घटना हुई थी, तब कांग्रेस का शासन था, महाराष्ट्र में भी, केंद्र में भी, तब हमारे सेना बलों में आक्रोश था, वो चाहते थे जवाब देना, लेकिन उस समय की कमजोर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व में ये साहस ही नहीं था कि वो जवाब दे सके आतंक के सामने, और पड़ोसी देश जो आतंक को पनपनाता है उसके उसको जवाब देने का साहस नहीं था। और इतिहास गवाह है कि इस देश को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने लगातार वर्षों वर्षों तक किया है। जब भी सेना ने अपनी शक्ति दिखाई, जब भी हम विजय की ओर अग्रसर थे, तब कांग्रेस इसको कमजोर बना देती थी, सेना बलों को कमजोर बनाती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सेना बलों को पूरी छूट दी है कि मुंह तोड़ जवाब दे आतंकवाद को, मुंह तोड़ जवाब दे उन लोगों को। इस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ ले, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी रगों में पड़ा हुआ। आतंकियों को बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं।
आप मुझे बताइए, ये वही महोदय है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था? यही वो महाशय है जिन्होंने मुंबई के दर्दनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जांच की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था।